हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि BTS की कंपनी हाइव हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसे नोटिफिकेशन लॉन्च करती रहती है जिससे BTS आर्मी BTS मेंबर से और ज्यादा कनेक्टेड हो जाती है। और फ्रेंड्स, इस तरह आर्मी BTS मेंबर और BTS कंपनी से काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है और उनके नए नए फीचर को यूज करके BTS आर्मी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक BTS मेंबर्स का कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, तो उनके न्यू फीचर्स के अकॉर्डिंग BTS मेंबर को अपना अपना पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने की परमिशन दी गई थी, जिसका फायदा काफी सारे BTS आर्मी ने भी उठाया था। और BTS आर्मी ने BTS मेंबर्स को इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा मैसेज करके अपने फीलिंग्स को BTS मेंबर के लिए शेयर किया था। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हाइव ने इस टाइम कुछ ऐसा कर दिया है जिससे BTS आर्मी हाइव और BTS मेंबर दोनों से ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है। तो फ्रेंड्स, हाइव ने ऐसी कौन सी नई नोटिफिकेशन निकाली है जिसे जानने के बाद आर्मी को काफी ज्यादा बुरा लगा है। ये सब जानने से पहले, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ ये है कि BTS मेंबर को मैसेज करना और उन्हें लाइव देखने का सबसे अच्छा तरीका और एप्लीकेशन था वीवर्स ऐप, क्योंकि फ्रेंड्स, वीवर्स ऐप पर BTS मेंबर हमेशा ही एक्टिव रहा करते थे और जहां BTS आर्मी BTS मेंबर से डायरेक्टली कनेक्ट होकर उन्हें काफी सारे मैसेज और स्टोरी वगैरह भी शेयर कर सकती थी और वहां पर फोटो के साथ साथ लाइव भी किया जा सकता था। लेकिन फ्रेंड्स, अब BTS मेंबर की उसी वीवर्स ऐप पर रिसेंटली ही एक न्यू अपडेट आया है जिसमें ये बताया गया है कि अब आर्मी वीवर्स ऐप की स्पेशल मेंबरशिप भी ले सकती है और जिसमें मेंबरशिप करने के लिए ऑब्वियसली ही आर्मीज को कुछ पैसे भी मंथली पेड करने होंगे और वहाँ कुछ अलग अलग तरह से चार्जेस भी लगेंगे, जिसको आर्मीज को पे करने के बाद ही न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। जैसे कि सबसे अच्छा ये बेनिफिट है कि मेंबरशिप लेने के बाद आर्मीज व्यूवर्स पर जब भी BTS मेंबर लाइव आएंगे तो उनके लाइव के दौरान आर्मीज को उनके लैंग्वेज में सारे सबटाइटल देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन फ्रेंड्स, उनके लाइव को हिंदी में डब किया जाएगा या फिर नहीं, ये मुझे भी नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, यही अपडेट देखने के बाद आर्मी BTS मेंबर और हाइव कंपनी से काफी ज्यादा नाराज हो गई है, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मेंबरशिप के पैसे लगेंगे और लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश ही होगा तो इस तरह सिर्फ इंटरनेशनल आर्मी ही इस चीज का फायदा उठा सकेगी और ये समझ पाएगी कि BTS मेंबर क्या बोल रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अक्सर आर्मी की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें BTS मेंबर की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है और वहीं पर इंटरनेशनल आर्मी जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्लैंग यूज करते रहते हैं, उन्हें तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि BTS मेंबर लाइव के दौरान अपने आर्मी से क्या बातें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद क्या आपको हाइव का ये न्यू अपडेट अच्छा लगा या फिर नहीं, अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।